नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग हाल फिलहाल में जोड़े गए चार महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को रामसर भूमियों के रूप में दर्जा दिए जाने के बाद रामसर सम्मेलन के पृष्ठभूमि में जीवन देखने और समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैव विविधता के लिए जो है ये जाना जाता है टॉपिक, तो इस तरीके से ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में जो है चार आर्द्र भूमियों को रामसर भूमि का दर्जा दिया गया है और अब भारत में जो है रामसर भूमियों की संख्या बढ़कर के 46 हो गया है। रामसर भूमियों की संख्या जो है 46 हो गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक महत्वपूर्ण बनता है। और इसी टॉपिक के पृष्ठभूमि में हम आज के इस लेक्चर में रामसर सम्मेलन को जो है देखने का प्रयास करते हैं। रामसर सम्मेलन बेसिकली 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड भूमि या आर्द्र भूमि या नम भूमियों के संरक्षण से जो है संबंधित था और इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। और इसी कारण से जो है आर्द्र भूमियों को या वेटलैंड को रामसर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। रामसर ईरान का एक महत्वपूर्ण शहर है और वहां पर 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें जो है आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि या जो है नम भूमि जिसे वेटलैंड के नाम से जाना जाता है संरक्षण करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसमें बनाए गए नियम ही जो है रामसर अभिसमय के नाम से जाने जाते हैं। और 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यह कार्यक्रम ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कभी कभी मिलान के रूप में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह समझना आवश्यक है कि 2 फरवरी 1971 ईस्वी के उस ऐतिहासिक महत्व के कारण से ही 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और ये 1971 ईस्वी में जो सम्मेलन था वो ईरान के रामसर नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। चूंकि यह आर्द्र और वेट भूमि वेटलैंड के जो संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए जो है आर्द्र भूमि या वेटलैंड को जो है रामसर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो है भारत के चार महत्वपूर्ण जो है स्थलों को रामसर भूमि का दर्जा दिया गया है। इसमें जो है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा जो है बाधवन है या बथावन है, जो भी है आप ये इंग्लिश से जो है हिंदी में लाने के कारण से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी आता है, तो थोल लेक है और बाधवन है। अब इसी के साथ में ये दोनों जो है और 2 और हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास, ये दोनों जो है हरियाणा से हैं और ये दोनों जो है वो गुजरात से हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये कहां पर स्थित, इनकी भौगोलिक अवस्थिति कहां पे है, तो थोल लेक और बाधवन जो है ये गुजरात में है और वहीं पर जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लैंड की स्थापना की गई है। ये मीठे पानी का जो है स्थल है और यहाँ पर जो है पक्षियों का वास है। ये चारों जो स्थल है ये पक्षियों के वास के लिए जो है फेमस है, यहाँ पे पक्षियों से संबंधित जो विविधता जो है सुनिश्चित होती है और इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए ये सभी वेटलैंड श्रेणी में है और इसी के कारण से इन चारों को जो है हाल में ही जो है अभी रामसर भूमियों के रूप में दर्जा दिया गया है। और इस तरीके से भारत में रामसर भूमियों की कुल संख्या बढ़कर के जो है वो 46 हो गई। तो यहाँ से आगामी परीक्षा में जो है सवाल का पूछा जाना लगभग तय है, तो इसे एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और चूंकि ये जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो समस्याओं का निजात दिलाता है, इसलिए ये मुख्य परीक्षा में टिप्पणी के जो है लिहाज से भी महत्वपूर्ण बनता है। तो अभी हमने जो देखा रामसर सम्मेलन और वो किससे संबंधित है इसको देखा और वेटलैंड दिवस के बारे में देखा और चार भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं
जिनको रामसर का दर्जा दिया गया है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ये हरियाणा में है और ये जो है गुजरात में है, तो सुल्तानपुर और भिंडावास ये दोनों हरियाणा में है, जबकि गुजरात में जो है थोरले, पर्ल सेंचुरी और बागमत ये दोनों स्थल जो है वो गुजरात में है। और ये चारों ही स्थल जो है वो पक्षियों के वास से संबंधित है और इसमें कुछ ऐसी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो बहुत ही जो है संकटग्रस्त स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में है, कभी कभी साक्षात्कार में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ओवरऑल ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा आर्द्रभूमि, उसकी विशेषताएं और उसके महत्व को भी जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? बेसिकली स्थल और जल के मिलन बिंदु पर जहां पर संक्रमणकालीन क्षेत्र पाया जाता है जिसमें भूमि और जल दोनों की विशेषताएं होती हैं, वही आर्द्र भूमियों के रूप में जाना जाता है। यहां पर दलदली क्षेत्र हो सकता है और ऐसे क्षेत्र हो सकता है जहां पे जल भराव भी हो। तो कुल मिलाकर के जल और स्थल जहां पे मिलन बिंदु होता है वहां पर ना तो पूरी तरीके से सूखी जमीन होती है ना ही पूरी तरीके से जलीय होती है। ऐसी स्थिति में वह दलदली क्षेत्र जो कि जल और स्थल के मिलन बिंदु पर बनता है उसे जो है आर्द्र भूमियों के नाम से जाना जाता है, वेटलैंड इसे कहते हैं। इसकी विशेषताओं में है ये जो है जलमग्न स्थिति में लगभग होता है, यहाँ मतलब जल भराव की स्थिति होती है, जो है जल भराव की स्थिति होती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस भूमियों की कि ये जो है उर्वरक बहुत ही जो है उर्वरक भूमि होती है। उर्वरक पॉइंट ऑफ व्यू से ये खेती करने के तरीके से तो नहीं, लेकिन जीव जंतु और पक्षियों तथा वनस्पतियों के विकास के लिए बहुत ही जो है ये उपजाऊ भूमि होती है। और ये जो है अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जो वनस्पतियां उगती हैं वो खारे पानी से संबंधित हो जाती हैं, कच्छ वनस्पतियां और इसी तरीके से मैनग्रोव वनस्पतियां यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर जो है उगती हैं। तो दो जो श्रेणी हैं यहाँ पर कच्छ वनस्पति और मैनग्रोव जो है इनको ये सभी जो है एक ही प्रकार से जो है विशेषताओं को जो है समेटे हुए हैं, एक ही प्रकार की विशेषताओं और जलवायविक परिस्थितियों में जो है ये होते हैं। तो ये कहने का मतलब जल मग्न क्षेत्र होता है, उर्वरक होता है और ये वातन रहित होता है। एक और महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि वातन रहित का मतलब ये है कि वायु वहां पे नहीं होती है, अनएरोबिक होते हैं, वातन रहित होते हैं। तो ये तीन इसकी विशेषताएं हैं इस प्रकार के भूमियों की जहां पर जो है कच्छ वनस्पतियां, मैनग्रोव वनस्पतियां उगती हैं। यहाँ पे जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए जो है ये बहुत ही अनुकूल दशा होता है और ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर के जो है जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती थी। ये हम लोगों ने क्या देख लिया, ये इसकी जो है विशेषताओं को देखा। अभी विशेषताओं के बाद जो है इसके महत्व को हम लोग यहाँ पे, चूंकि हम लोग इसे जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, एक क्रम को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में एक स्पष्ट जानकारी हो सके। तो महत्व का मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे पक्षी हैं और वनस्पतियां हैं, जीव जंतु, तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल इसका क्या परिणाम होता है, ये जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि जो है चारों महत्वपूर्ण स्थल वो पशु चारों महत्वपूर्ण स्थल जो पक्षियों के वास से संबंधित हो, उसमें कुछ पक्षियां जो है वो प्रभावित भी संकटग्रस्त स्थिति में है, इसलिए जब उनको हम रामसर भूमि के रूप में दर्जा दे देंगे तो उनका संरक्षण उन प्रोटोकॉल के अंतर्गत होगा जिससे उसको सुरक्षित रखना आसान होगा और जैव विविधता के उच्च स्तर को प्राप्त करना संभव होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आर्द्र भूमियों के संदर्भ में सबसे पहले हम अगर इसको शुरू करते हैं तो इस रूप में जो है लिखने का प्रयास होगा कि रामसर सम्मेलन के बारे में हम थोड़ा सा परिचय देंगे कि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान पर
ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड या आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर जो है बल दिया गया, और ये जो है आर्द्र भूमियों की जो है परिभाषा देंगे, आर्द्र भूमियों की विशेषताएं देंगे, आर्द्र भूमियों का महत्व होगा, और हाल फिलहाल में ये जिस कारण से चर्चा में रहा है वो चार महत्वपूर्ण जो है भारत के वेटलैंड को रामसर भूमि का दर्जा दिया गया, और इस तरीके से ये भारत में जो है जैव विविधता के उच्च स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो है महत्वपूर्ण जो है सिद्ध होगा। तो इस बात को जो है उल्लेख करते हुए हम लोग अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये अगर हम मेंस में अगर ये सवाल आता तो भी लिख सकते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में अगर यहाँ से सवाल चाहे वो पूछा जाए कि कौन कौन से सम्मिलित हुए हैं, ये या पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, या ये पूछा जाए कि वो किस प्रकार के जो है वनस्पतियों से संबंधित है या पक्षियों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित है, तो उससे संबंधित सवालों को हम हल कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि रामसर सम्मेलन भूमि या वेटलैंड के संदर्भ में जो एक अवधारणा को समझने के साथ साथ हम लोगों ने हाल फिलहाल में जोड़े गए चारों महत्वपूर्ण स्थल से परिचित हो गए हैं। तो आज का ये लेक्चर बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।